ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपनी साइकिल में गियर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपनी साइकिल के जो दोनों नट वो लूज़ कर ले और टायर को बाहर निकाल ले। हमारी साइकिल तो लूज़ हो चुके हैं, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो चलो बाहर निकाल लेते हैं। तो अपनी साइकिल का टायर से बाहर निकल चुका है। अब अपनी साइकिल में जो ये छोटा वाला फ्री व्हील है उसको भी रिमूव करना है, उसको निकालना है। तो आपके आसपास में जो साइकिल स्टोर है उधर आप जाके इसको निकलवा सकते हैं। ये घर पे भी निकल सकता है, बट मेरा जो वो जाम हो गया था। आप स्क्रू ड्राइवर और हथौड़े की मदद से निकाल सकते हैं आपका घर पे ही। तो आप देख सकते हैं अब ये खुलने वाला है। तो अब ये फ्री व्हील निकल गया है। तो अब हम ये फ्री व्हील इसमें अटैच करने वाले हैं। ये 6 स्पीड का है, इसे सब कैसेट भी कहते हैं। अब इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए और ये फिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमने फ्रेम में टायर को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हमको चेन को भी अलग करना होगा दो हिस्सों में। उसके लिए आपको फुट पेग या आपके पास जो नट होता है बड़ा वाला उसकी मदद से आप निकाल सकते हैं। सिंपली आप इसके ऊपर रख दिए और ये स्क्रू होता है उसके ऊपर हैमर या थोड़ी की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। अब देख सकते हैं दो हिस्सों में निकल गया है चेन। हमने चेन को निकाल दिया। अब हम ये डिरेलर होता है उसको फ्रेम के साथ अटैच कर देते हैं। आप वीडियो में दिख रहे हैं ऐसे आप भी करें। अब आप एक पास जो टूल हो उसकी मदद से इसे नट को टाइट कर ले। तो चलो वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने डिरेलियर को फिट कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर चैन को फिट कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप ध्यान से देख लीजिए। तो सिंपली अब हम ऊपर वाली पुली से निकाल लेते हैं चेन को। तो देख सकते हैं हमने चेन को पुली में से निकाल लिया है ये डिरेलर में से। अब चेन को फिट कर लेते हैं। इसके लिए आपको पहले हमने निकाला था वैसे ही अब पकड़ की मदद से ये जो ऊपर निकला हुआ उसको टाइट कर लेते हैं। पहले तो हम इसको अंदर डाल देते हैं अच्छे ही। अब हम पकड़ की मदद से ऐसे अंदर की ओर प्रेस कर देते हैं। सिंपली हमने प्रेस कर दिया है, जोर से टाइट कर लेना आप भी। तो आप देख सकते हो हमारी चेन जो है यार वो छोटी हो गया, अब बहुत बड़ा सीन हो गया है। अब हमको पुरानी चेन ही दो जोड़ के करनी पड़ेगी। अब आप ये जो ग्रिप होते हैं उसको निकाल लेते हैं। अब सिंपली ग्रिप को निकाल लीजिए। अब देख सकते हैं हमने निकाल लिया। अब ब्रेक को इस एलंकी से निकाल लेते हैं, नट लूज कर लेते हैं पहले। तो नट भी लूज हो चुका है, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। चलो मैं सारे प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिरेलर और फ्री व्हील की भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
अब ये नीचे वाले ब्रेक का वायर है उसको भी निकाल लीजिए, लूज कर लेते हैं पहले। तो कहे चलो, अब ये शिफ्टर है, ये शिमानो का शिफ्टर है, ये जो मैंने ऑफलाइन ख़रीदा है, ये तो मैंने जहाँ से साइकिल ली थी उसी दुकान से लाया हूँ। अब इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, इसको टाइट कर सकते हैं लग की मदद से। तो सिंपली गाइस ये बहुत टाइट हो चुका है। अब हम ये जो वायर है उसको डिरेलर में डाल देते हैं, उसमें फिट कर लेते हैं। ये जो होल होता है उसमें आप डाल दीजिए वायर को। अब ये डिरेलर में छोटा सा नट दिया होगा आपको, आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाला नट है, वो उसमें इस वायर को उसके अंदर डालना होता है। अब जब ये वायर को टाइट करें तो एक बात का ध्यान रखें कि गियर है वो शिफ्टर का गियर आप 7 नंबर पे रखें। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अपने गियर सही से वर्क कर रहे हैं, हाई से लो और लो से हाई में जाने में कोई दिक्कत नहीं रही। अगर आप में दिक्कत रही है तो ये जो नट होता है उससे आप एडजस्ट कर सकते हैं।